प्रोफेसर अग्निस्वरूप, पीछे से एक प्रोफेसर और पैशन से पैरानॉर्मल एक्सपर्ट। जब भी किसी की जान पर खतरा मंडराता है या फिर किसी की जिंदगी को बचाना होता है तो उसे हम हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। लेकिन जब हमें ये पता चले कि हमारी जिंदगी हॉस्पिटल जाने से और भी खतरे में आ जाएगी तो आप क्या करेंगे? आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और खतरनाक और खौफनाक हॉस्पिटल की कहानी, जिसे सुनकर आप हॉस्पिटल जाने से घबराएंगे। ये कहानी है गिलबर्ट नर्सिंग होम, जो कि गोवा में स्थित है। ये कहानी हमें बताई है गोवा में रहने वाले करीम ने, जो गिलबर्ट नर्सिंग होम में एक वार्ड बॉय की नौकरी करते थे। ये कहानी शुरू होती है मार्च 1986 को, जब डॉक्टर जॉन MBBS करके वापस अपने होम टाउन वास्को गोवा आए। गोवा आने के बाद डॉक्टर जॉन ने गिलबर्ट नर्सिंग होम शुरू किया। नर्सिंग होम में हर तरह की हाईटेक सुविधाएं थी और अपने आप में गोवा का एक बेहतरीन नर्सिंग होम था। कुछ दिनों के अंदर डॉक्टर गिलबर्ट का नर्सिंग होम पूरे गोवा में काफी मशहूर हो गया था और वहां इलाज कराने दूर दूर से लोग आने लगे। करीम ने डॉक्टर गिलबर्ट के नर्सिंग होम में एक वार्ड बॉय बनकर काम शुरू किया। करीम की ड्यूटी अक्सर तीसरी मंजिल पर बने जनरल वार्ड में ही रहती थी। 2 साल हो चुके थे और गिलबर्ट नर्सिंग होम गोवा के टॉप नर्सिंग होम में गिना जाने लगा था कि तभी एक दिन रात के करीब 2 बजे हॉस्पिटल की तीसरी मंजिल पर शॉर्ट सर्किट हुआ और उस शॉर्ट सर्किट ने तेजी से आग पकड़ ली। इतनी रात में ज्यादातर स्टाफ और मरीज गहरी नींद में सो रहे होते हैं, पर आग पूरे जोर शोर से फैल रही थी और बस 2 घंटे भर के अंदर नर्सिंग होम की तीसरी मंजिल तेजी से जब और फैलने लगी, जब जनरल वार्ड में रखा एक ऑक्सीजन सिलेंडर भी फट गया। फायर ब्रिगेड ने हॉस्पिटल के बाकी 2 मंजिलों को नुकसान से बचा लिया, पर तीसरी मंजिल के जनरल वार्ड में एडमिट 15 मरीज और 4 मेडिकल स्टाफ को वो नहीं बचा पाए। तीसरी मंजिल पर आग इतनी तेज थी कि पुलिस को वहां मौजूद 19 लोगों की लाशों का नामोनिशान ढूंढने में बेहद मुश्किल का सामना करना पड़ा। इस हादसे के बाद गिलबर्ट नर्सिंग होम की तीसरी मंजिल 4 महीने तक बंद रही, फिर उसे रिपेयर करने के बाद वापस खोल दिया गया। मरीज फिर से आना शुरू हो चुके थे और करीम की ड्यूटी एक बार फिर से तीसरी मंजिल के वही जनरल वार्ड में लगा दी गई थी। सब कुछ हमेशा की तरह नॉर्मल चल रहा था कि तभी अचानक एक दिन जनरल वार्ड में एडमिट एक मरीज की चीखों की जोरदार आवाजें आई। ड्यूटी पर बैठा करीम जब उसके पास पहुंचा तो उस आदमी ने बताया कि उसे बगल वाले खाली बेड पर एक जले हुए आदमी को लेटा हुआ देखा है, जो उसकी तरफ देख रहा था और अचानक से गायब हो गया। वो मरीज उस जले हुए आदमी को देखकर इतना घबरा गया था कि ये बताते हुए वो डर से कांप रहा था और वो अपने घर जाने की जिद करने लगा। हॉस्पिटल के स्टाफ ने जैसे तैसे उस मरीज को तीसरी मंजिल से दूसरी मंजिल के जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया। सबको उस मरीज की बातें एक वहम से ज्यादा कुछ भी नहीं लगी, तब तक जब तक एक हादसा ना हुआ। एक दिन स्टाफ नर्स तीसरी मंजिल पर बने स्टोर रूम से कुछ दवाइयां और सामान लेने गई, पर जब वो काफी देर तक नीचे वापस ना लौट कर आई तो नीचे बैठे स्टाफ ने करीम को उसे देखने स्टोर रूम भेजा। स्टोर रूम में जाते ही करीम ने जो देखा उसने उसे हैरान कर दिया। करीम ने देखा कि वो नर्स जमीन पर बेहोश पड़ी है और चारों तरफ स्टोर का सामान बिखरा हुआ है। ये देखकर करीम ने आवाज देकर सबको जल्दी से बुलाया और नर्स की ऐसी हालत देखकर सब घबरा गए। उस दिन नर्स के साथ ऐसा क्या हुआ था जो
जो अचानक बेहोश हो गई। क्या गिलबर्ट नर्सिंग होम की तीसरी मंजिल पे हो रही घटनाएं सिर्फ एक वहम की वजह से हो रही थी या वाकई वहां कुछ गड़बड़ थी? इन सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए गिलबर्ट नर्सिंग होम का दूसरा एपिसोड।